सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर एंड आई एम योर होस्ट फॉर टुडेस क्विज। ये है आपकी क्विज नंबर 50 यानी 50। इससे पहले आपने 49 क्विजेस कंप्लीट कर ली थी। घड़ी में बज गया है ठीक रात का 8 और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आई विल बी हियर अगेन एट एग्जैक्टली 2 o'clock इन द इवनिंग। तो लीजिए हाजिर हूं, फिर से आपके साथ शेयर करूंगा नए 15 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं आज की क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इन ईमेल आईडी वी कैन चेंज यूजर आईडी। अगर हम ईमेल आईडी यूज करते हैं तो क्या हम उस ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। जो ईमेल आईडी है आपकी वही रहेगी। नो, चेंज नहीं कर सकते। यस, हाँ आप उसे कर सकते हैं, ओनली वन टाइम। केवल आप एक ही बार ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और इसका सही जवाब है नेवर। जी हाँ, ईमेल आईडी में आप यूजर आईडी कभी चेंज नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, क्विकर बिलोंग्स टू। दिए हुए ऑप्शंस में से क्विकर किसको बिलोंग करती है? बता दूं, क्विकर एक मार्केटिंग कंपनी है, बेसिकली बेंगलुरु में स्टैब्लिश हुई थी ये। सवाल है, दिए हुए में किससे संबंध रखती है? B2B से, B2C से, C2C से या C2B से? मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, पहले अपना जवाब सेंड करिए। सही जवाब है कॉल टू कनेक्ट से, C2C से। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज राउटर। राउटर का नाम सुना होगा आपने, पूछा जा रहा है राउटर है क्या? एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है या सारे के सारे है? तो राउटर इनमें से क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है नेटवर्क डिवाइस। जी हां, राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इफ वी वॉन्ट टू एड सम डॉक्यूमेंट इन ईमेल देन वी कैन चूज विच ऑप्शन। अगर आप किसी को मेल सेंड करते हैं और आपको मेल में कुछ फाइल अटैच करके भेजनी है, सेंड करना है कोई डॉक्यूमेंट, तो आप किसका यूज करेंगे? लिंक का, अटैचमेंट का, कंपोस्ट का या ऐड का? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही जवाब है अटैचमेंट का। जी हाँ, अटैचमेंट आइकन पे क्लिक करके आप फाइल्स को अटैच करके सेंड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, कैन नॉट सेंड विथ ईमेल। ईमेल से आप नहीं सेंड कर सकते कोई एक फाइल, कोई एक वीडियो क्लिप, कोई एक डॉक्यूमेंट या एक पार्सल। आप ईमेल के थ्रू इनमें से क्या सेंड नहीं कर सकते? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। द राइट आंसर इज पार्सल। जी हाँ, ईमेल से आप पार्सल कैसे करेंगे? पार्सल तो हार्ड कॉपी है ना, हार्डवेयर में सेंड की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, हाउ लॉन्ग कैन अ वीडियो बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड टू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में कितना बड़ा वीडियो बनाया और अपलोड किया जा सकता है? 5 मिनट का, 2 मिनट का, 60 सेकेंड का या 30 सेकेंड का? इंस्टाग्राम पे बेसिकली हो सकता है आपने रील्स देखी होंगी, तो रील्स
का लेंथ कितना हो सकता है, सवाल आपका ये है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। द राइट आंसर इज 60 सेकेंड। आपने इंस्टाग्राम यूज किया होगा तो आपको पहले से पता होगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच नेटवर्क विल बी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स लोकेटेड इन वन। कोई एक ही कंप्यूटर है और उसको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो इनमें से दिए हुए में से कौन सा नेटवर्क आप यूज करेंगे, मैन का, वैन का, लैन का या फैन का। तो आपके हिसाब से सही जवाब क्या है, अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। द राइट आंसर इज लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क। एक कंप्यूटर को सिर्फ कनेक्ट करना है, पैन तो यहां पे है भी नहीं, नहीं तो हम पैन का चुनाव करते। लैन और सॉरी मैन एंड वैन बड़े होते हैं, एक सा कोई मतलब नहीं है, और फैन तो मैंने नहीं सुना, हो सकता है आपने सुना हो। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ हाइपरलिंक इन वेबसाइट। वेबसाइट में अगर आपको ये चेक करना हो कि कहाँ पे हाइपरलिंक है जिस पे क्लिक करके आप दूसरी वेब पेज पे चले जाएंगे, तो कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन मार्क पॉइंटर से जैसे आप उस पे ले जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क बन के आएगा। अगला है हॉगलेस, हॉगलेस पॉइंटर जो भी है सामने, लिंक पॉइंटर या आईबीम पॉइंटर। तो आपके हिसाब से हाइपरलिंक है पेज में, कैसे पता करेंगे आप। सही जवाब है लिंक पॉइंटर से। जी हाँ, लिंक पॉइंटर से इजीली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी या फिर आप वेबसाइट्स में पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। न्यूज ग्रुप्स आर, न्यूज ग्रुप्स क्या होते हैं, चैट सर्विस देते हैं, ईमेल सर्विस देते हैं या डिस्कशन सर्विस, किसी चीज पे डिस्कशन चलता है या इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। द राइट आंसर इज डिस्कशन सर्विस। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। द नेटवर्क वेयर ऑल द नोड्स आर अराउंड अ सेंटर सर्वर इज कॉल्ड। ऐसा नेटवर्क जिसमें एक सेंट्रल सर्वर हो और बाकी के सारे कंप्यूटर्स उसके आसपास हो, उसको क्या कहा जाता है, स्टार नेटवर्क, बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं। कुल मिलाकर टोपोलॉजी का सवाल है, आपको बताना है कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल कंप्यूटर से या सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से जुड़े होते हैं। टॉपकास्ट टाइम स्टार्ट होता है अब। द राइट आंसर इज स्टार नेटवर्क। जी हाँ, स्टार टोपोलॉजी में ही ऐसा होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वी कैन सेंड थ्रू ईमेल। ईमेल से हम क्या सेंड कर सकते हैं, किसी फाइल को, पिक्चर को, मैसेज को या सब कुछ सेंड कर सकते हैं जो नीचे दिए हुए हैं तीनों। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, दिए हुए ये सारे के सारे आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फास्टेस्ट नेटवर्किंग मीडियम। दिए हुए में से कौन सा है जो सबसे तेज नेटवर्किंग प्रदान करता है, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या वायरलेस कम्युनिकेशन। सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क कौन प्रोवाइड करता है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
द राइट आंसर इज फाइबर ऑप्टिक. नाम सुना होगा, जियो फाइबर ऑप्टिक बिछा रहा है, गीगा फाइबर ऑप्टिक सही जवाब है. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज. इंटरनेट पे अवेलेबल सर्वर को और क्या कहते हैं? हब, गेटवे, रिपीटर या होस्ट. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. द राइट आंसर इज होस्ट. होस्ट वो जो सबको बांध कर रखता है. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज द लीस्ट इफेक्टेड बाय एडिशन और रिमूवल. दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी है जो बहुत कम इफेक्ट करती है अगर उसमें से कोई चीज रिमूव कर दी जाए? रिंग टोपोलॉजी में, बस में, स्टार में, इनमें से कोई नहीं. आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. सही जवाब है रिंग. अगर कहीं पे रिंग टोपोलॉजी बनी है और आप उसमें से कोई एक और कंप्यूटर लगा देंगे तो भी वो रिंग ही रहेगा. ठीक है, आप उससे कोई कंप्यूटर हटा देंगे, सर्कुलर सिस्टम में रहेगा तो रिंग ही रहेगा आपका. अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. फेसबुक क्या है इनमें से? एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, सोशल मीडिया है या मैसेंजर है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. सही जवाब की बात करेंगे तो मैसेंजर है ही है, बट ये सोशल मीडिया मेन है इसका, सोशल मीडिया का हिस्सा है. तो इस तरीके से आज के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं. ये थी आपकी क्विज नंबर 50. अटेंडेंस लगा के जाइएगा, अपना नाम पिन कर दीजिए या अपना नाम आप कमेंट पे डाल दीजिए. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, क्विज पसंद आई होगी. वीडियोस पसंद आए हैं वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को हिट करिए. कल ठीक रात 8 बजे फिर से हाजिर हो जाऊंगा नए 15 क्वेश्चन के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर.